फिर दरिया भी दिखा दीजिए। आपकी वजह से हमने आपने चेक ऑर्डर नहीं किया, दिया है उसे, दिया है। आप जरा पूछ के ये जी आइबेक्स कॉटेज, आप ये देखिए जैसे जैसे रात हो रही है ना, जब आप रोला डाला हुआ था शाम का, रात का टाइम हो रहा है, अब निकल रहे हैं। अब सड़क भी कुछ साफ होती जा रही है, जितना ट्रैफिक भी कुछ कम होती जा रही है, डेंजरस हो रहा है, रास्ता इतना खतरनाक है। फिर आप वापस आए आज, अगर आपने कल आना, ये देखें जी आइबेक्स कॉटेज जो अभी हमने आपको दिखाया है। पीछे आइबेक्स नजर आ रही है और थोड़ा सा पहले एक प्राइवेट गेस्ट हाउस है, क्या नाम था इसका बेटा, नाम क्या, गेस्ट हाउस यहाँ हम रुके थे, लेकिन मैं समझा ये शायद टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों का ये नहीं था, ये है प्राइवेट। पर अब चलते हैं आगे, देखते हैं किरण तो पहुँचे ना पहले, उसके बाद फर्दर डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरफ जाने। केरन से पहले एक छोटा सा प्राइवेट गेस्ट हाउस है, हम समझे थे ये टूरिज्म वालों का है इसलिए रुक गए थे, अब हमें अंदाज़ा हुआ है कि टूरिज्म वालों का नहीं है, प्राइवेट है। बाहर आगे चलते हैं, टूरिज्म वालों के गेस्ट हाउस पे रुक के उसे देखते हैं, एंड देन वी विल डिसाइड। ये जनाब पीछे आगे साइड पे आ जाओ, छोटा सा रिजॉर्ट है ये दामन में, और इधर भी बैक साइड पे उससे ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। हाँ एक से एक पॉइंट है, आ जाए वो कह नहीं रहा, वो कहते आगे तो मेन है केरन, 2 किलोमीटर चले। ये देखिए जी यहाँ पे पाकिस्तान दरिया नीलम के परली तरफ भी कुछ थोड़े से इलाके पे पाकिस्तान का जो है अमलदारी, तो उसके हम दूसरी तरफ आ रहे हैं। ये रोड नीचे आती है, लेकिन गाड़ी की रोड थी, लेकिन हम गाड़ी खुद नहीं लेके आए क्योंकि हम थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल थे कि स्टीप है ये ज़्यादा, इसलिए हम पैदल आ गए हैं यहाँ आके। आपको ब्रिज दिखाता हूँ, ब्रिज ये शायद पुराना ब्रिज है, ये जो साइड पर बना हुआ है वो नीचे आप वहाँ दरिया तक भी जा सकते हैं, और ये अच्छा लिखा हुआ, अच्छा चलो फिर नहीं बनाते। ये जनाब एक मेन रोड पे ये हमें नाला सा नज़र आया, तो हम रुके हैं यहाँ थोड़ा आगे जाके, कश्ती एक जगह है दरिया के दूसरी तरफ नीलम के, उधर जाने का प्रोग्राम हमारा कच्चा पक्का सा है, अगर गए तो उसकी भी आपको गलतियाँ दिखाएंगे, पर अभी आप इस नाले को एंजॉय करें। नीचे तक पहुँचने का रास्ता मेरी नज़र आ रहा, ना इधर से आ रहे हैं ना उधर से आ रहे, उधर से शायद हो लेकिन मुश्किल है वो मकान है वो मुश्किल, इधर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी चलते हैं। ये हर चप्पे चप्पे पे यहाँ पे आपको आबशारे पर नाले और नाले मिल जाते हैं, ये भी रास्ते में एक और खूबसूरत सा पॉइंट था, लेकिन बाल ये सामने कलमा चौक है और ये बी एस ओ पम्प, और ये उसके साथ ही डैम में ही ये प्लॉट है, ये सामने
आपको ये बाउंड्री नज़र आ रही होगी इसकी, ये यहाँ से ये बाउंड्री स्टार्ट होगी। ये सामने ये निश्तर रोड और ये प्लॉट है, ये गेट से पहले पहले इसकी हद है। ये यहाँ तक ये इसकी बाउंड्री है, ये अच्छा खासा फ्रंट है, चौरस प्लॉट है। ये देखिए ये सामने इसके ये 25 मरले का प्लॉट है। ये जनाब शाल मोड़ के दूसरी तरफ हम बैठे हुए हैं और ये टुकर खाना रेस्टोरेंट है कोयटा सुपर चाय वाला, और यहाँ पे हमारी नॉलेज में एक इजाफा हुआ है कि टुकर खाना भी एक वर्ड है। टुकर खाना का मतलब है ये कमरा जहाँ डाइनिंग रूम जो है बेसिकली, वो उसका नाम है जी टुकर खाना, सुपर कोयटा, सुपर कोयटा चाय। ये है जी टुकर खाना। ये जनाब इस वक्त हम टुकर खाना के सामने बैठे हुए हैं और ये सियाल मोड़ के दूसरी तरफ है, और ये देखिए जनाब ये टुकर खाना नज़र आ रहा है। और ये बजा हो चलाते हैं।